इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि सम का फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, ठीक है? मेरे को तो पता है, सपोज करो, और अगर आपको खुद को बनाने का ट्राई करना हो तो वो कैसे करोगे? ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यही चीज़ें। मतलब मैं सिखाऊंगा कि आपको खुद को कैसे बनाना है फॉर्मूला, अगर आपको खुद को मतलब बाद में कभी जरूरत पड़ने लगे। कुछ और भी फॉर्मूले देखो यार, हर टाइम पे मतलब कोई गूगल या कोई आप हर कोई टीचर तो हेल्प करेगा नहीं, तो मतलब आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि बनाने कैसे हैं। ओके, तो इस चीज को समझने से पहले देखो, ये मैंने कुछ डाटा यहाँ पे शो कर रखा है। मैं पहले एक फॉर्मूला दिखाऊंगा सम का, मतलब सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज करा जाता है ना, कि मतलब अगर टोटल सम करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो, कुछ बच्चे हैं किसी क्लास में, सपोज करो अजय, बॉबी, छाया, देवेंद्र, एमी और फरीद, गोविंद, ये मैंने कुछ इस नाम से लिख रखे हैं, ठीक है? और सपोज करो इनकी इतनी इतनी फीस आई है, ठीक है, पहले महीने में, और आपको चाहिए इस सेल में टोटल अमाउंट, समझ गए? टोटल क्या गए? आपको अपने आप ही यहाँ पे बिना कैलकुलेटर यूज करना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मूले का पैटर्न समझने का ट्राई करो। सबसे पहले इक्वल का साइन दबाओ, इक्वल, फिर लिखो सम, SUM। देखो यहाँ पे कुछ कुछ अपने आप प्रिडिक्ट करता रहता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कि क्या आप ये लिखना चाह रहे हो, इसके बाद में ये, ओके, साइन देख रहे होगे। फिर आपको देखो सम, अब मैं सिखाऊंगा कि आपको सोचना कैसे है वहां पे, अगर आपको खुद को एक फॉर्मूला डिजाइन करना है। देखो ये बी की कॉलम है, ठीक है, और बी की कॉलम में वन से डाटा स्टार्ट है। ओके, बी की कॉलम में वन से स्टार्ट है यहाँ पे, और बी की कॉलम में कहाँ तक है, 10 तक स्टार्ट है। तो देखना मैं क्या करूंगा, B1 और B10 तो आपको याद हो गए। तो देखो B1 से लेके B10 तक, ओके, और फिर ये क्लोज कर देंगे फॉर्मूले को और फिर मार देंगे एंटर। देखो क्या आया, 2714 वैल्यू आई है। ओके, इसके बाद में आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर आपको सपोज करो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कुछ डाटा डाल रहे होते, सपोज करो ऐसे होता कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, ऐसे कुछ टाइप से डाटा होता, और वहाँ पे आपको अगर इस यहाँ पे जाके डाटा चाहिए होता, तो आपको क्या करना होता कि सी, मतलब या तो यहाँ पे होता, जैसे यहाँ पे तो मंथ मंथ से एंटर करते हम, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए होता तो आप क्या करते, C2, ओके, सी में 2 पे जाके, और कहाँ तक चाहिए होगा, CM2 तक, समझ गए ना, कि मतलब C2 को जोड़ेंगे C2 से लेके M2 तक। इस टाइप से आपको डाटा फिलिंग करनी है, तो आप यहाँ पे आपको सम को ऑप्टेन कर लेते। ओके, इस चीज को समझ गए यहाँ तक। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखो ये खुद भी दे देता है। ओके, अगर आपको फॉर्मूले की मतलब याद भी नहीं है, तो देखो सम पे जब मैं टैप कर रहा हूँ तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, समझ गया? और फिर ऐसे एवरेज, एवरेज होता है मतलब कितने में डिवाइड किया नंबर ऑफ रोज या कॉलम से। ओके, फिर ऐसे काउंट, मतलब जैसे वो होता है कि अटेंडेंस वाला मैटर। ओके, तो इस चीज से आप समझ चुके हो कि सम का फॉर्मूला यूज कैसे करना है। इसी वीडियो में मैं कुछ फॉन्ट के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्ड में मैं पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को समझा चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी मतलब एक टाइप से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अगर आपको ये चीजें और भी अच्छी तरीके से समझनी है ना, तो पीछे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट आ रही होगी, आई बटन पे क्लिक करके देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उस पे जाके उसको जरूर देख लेना। ओके, तो देखो मैं इसमें फॉन्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे इस पे डबल टैप किया मैंने, ओके, यहाँ पे ये होते हैं फॉन्ट के टाइप, कि कौन सा फॉन्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। देखो कितने सारे हैं, जैसे सपोज करो मैं इसको कर देता हूँ, जैसे मेरे को अच्छा लगा ये वाला मानो। ओके, तो देखो ये वाला सेलेक्ट हो गया, इसमें कंट्रोल ए दबाओ और यहाँ पे मैं गया और मेरे को ये कर देना है। ओके, समझ गए ना? अब देखो ऊपर जैसे मैंने वो करा था, अब आप सोच रहे होगे कि वो आया क्यों नहीं, वो नेक्स्ट वर्ड के लिए आएगा दोस्त, समझ गए? देखो ये जो भी है, तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज करनी है तो इसको पहले सेलेक्ट करना होगा, समझ गए? सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा आप चाहो वैसे देख रहे होगे पीछे कैसे वो चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो सपोज करो मैंने ये कर दिया, तो आप इसको भी समझ चुके हो, लेकिन अगर आपको इसमें कलर फिलिंग करनी है, देखो समझ गए, जैसे मैं गोविंद पे कर देता हूँ कोई दूसरे कलर का, तो दूसरे कलर को करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे भी जाके मोर कलर पे जाके अपना एक नया कलर बना सकते हो,
वरना देखो इतने सारे कलर ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया और मैंने जोनी पे जाके ये कर दिया ग्रीन, ठीक है। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर ऐसा चाहिए हो तो सबसे पहले टेक्स्ट पे जाके ऐसे करना है, और फिर यहाँ पे जाके टेक्स्ट को जिस टाइप का कलर देना चाह रहे हो वैसा दे लो। जैसे सपोज करो मैं रेड कलर दे रहा हूँ, तो देख रहे होगे ना रेड कलर। और अगर देखो जूम करना है तो जूम देखो ऐसे होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है, पहले यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके जूम कर लिया। ओके समझ गए ना। देखो जूम का सिंपली मीनिंग है कि आप जिस सेल पे वर्क कर रहे हो उसको थोड़ा क्लियरली विजन के लिए जूम करना चाह रहे हो आप। इसके बाद में अगर आपको एक बोल्ड का फंक्शन जाना है, बोल्ड का सिंपली मीनिंग होता है बड़ा मोटा कर देना। देख के ऐसे इसको आप सेलेक्ट करके रखो, फिर बोल्ड कर दोगे, देखो समझ गए ना, वर्ड का साइज बड़ा कर देना है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा इंक्लाइन कर देना। अंडरलाइन का मतलब बेसिकली वर्ड के नीचे एक आपको जैसे लाइन आना, ये लाइन आ रही है ना छोटी सी इस टाइप से। और ये भी मैं समझा चुका हूँ ये भी। चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू।